आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चंबा में घर की छत पर घास में भड़की आग से जिंदा जले दो सगे भाई, खेलते खेलते आज झपटी मौत। सड़क हादसों से हिला हिमाचल, किन्नौर में जीप और ठियोग में गिरी कार, चार की मौत। प्रदर्शनों से तपा हिमाचल, ऊना में रैली को लेकर जोरदार पंगा, पुलिस के खिलाफ सीटू का धरना। सोलन के दत्यार में कटिंग के वक्त दर की पहाड़ी, मलबे की चपेट में आकर मशीन ऑपरेटर घायल, दो घंटे ट्रैफिक जाम। बद्दी पहुंचे पुलिस महानिदेशक के आदेश, सुस्ती छोड़ तुरंत मुस्तैदी से गश्त करें जवान। और रणजी के रन में हिमाचल ने केरल पर कसा शिकंजा, क्वार्टर फाइनल में एंट्री लगभग तय। और अब समाचार विस्तार से। चंबा की सुंगल पंचायत के पंजूण गांव में घर की छत पर खेलते खेलते दो सगे भाई जिंदा जल गए। बुधवार दोपहर को हुए भीषण अग्निकांड से यहां पर चीखो पुकार मच गई। मृतकों में 7 साल का विकास और उसका 5 साल का छोटा भाई शामिल है। घास में एकाएक भड़की आग इतनी तेजी से फैली कि छत पर खेल रहे इन बच्चों को बच निकलने का मौका ही नहीं मिला। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन घर के चिरागों के यूं बुझ जाने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहरहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए हैं। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने दो मासूमों के जिंदा जलने से मौत की पुष्टि की है। पांटा साहिब की अनाज मंडी के साथ लगते इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में 13 झुग्गियां राख हो गईं। मंगलवार रात को अचानक भड़की आग के बीच लोगों ने भागकर बड़ी मुश्किल से जान बचाई। बेकाबू लपटों से मजदूरों की जमा पूंजी के साथ साथ सारा सामान राख हो गया। नायब तहसीलदार निहाल सिंह कश्यप ने बताया कि नुकसान के आकलन के लिए पटवारी को मौके पर भेज दिया है। किन्नौर और शिमला के दो सड़क हादसों ने हिमाचल को हिलाकर रख दिया। हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर घायल हैं। पहला मामला किन्नौर के रामणी में पेश आया, जहां टापरी से आ रही बुलेरो कैंपर मोड़ पर अनियंत्रित होकर सीधे सतलुज में समा गई। इससे रामणी के रवि और रामकुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर बिरमाचंद, लखवीर सिंह और अनिल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को रामपुर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं ठियोग से KR2 में भी एक कार गहरी खाई में गिर गई। इससे KLV के श्यामलाल और ज्ञानचंद की मौके पर ही मौत हो गई। मामले दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। बर्फीली हवाओं से ठिठुर रहे पहाड़ी प्रदेश की ठंडी फिजाओं में ट्रेड यूनियनों के प्रदर्शन से गर्मी आ गई। बुधवार को आंदोलन के दूसरे दिन भी जमकर प्रदर्शन का दौर चला। सीटू के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदेश भर में रोष रैली निकालकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इसी बीच सबसे ज्यादा गहमा गहमी ऊना शहर के रेड लाइट चौक पर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच हुई। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज और सीटू जिला सचिव के बीच रैली को लेकर तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि महिला शक्ति ने सदर थाने का घेराव कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर हल्ला बोला। इसी बीच मामला इतना बढ़ गया कि उग्र प्रदर्शनकारी SP ऑफिस पहुंच गए और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की शिकायत सुनने के बाद SP दिवाकर शर्मा ने ट्रैफिक इंचार्ज को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो प्रदर्शनकारियों को रोका गया है, तो मेरा मानना ये है कि चलिए इसकी वैसे तो छानबीन की जाएगी, बट मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये बेवजह ये इशू क्रिएट किया गया है। इसी के साथ राजधानी शिमला में डाक कर्मियों ने बुधवार को सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संगठन के बैनर तले बुधवार को GPO के समीप केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं करसोग, संगड़ाह, सराहा, पंडोह, ऊना, कुल्लू,
हमीरपुर, बिलासपुर, धर्मशाला, सोलन, नाहन और मंडी में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिड डे मील वर्कर्स, डाक कर्मचारियों, LIC, इंश्योरेंस कर्मचारियों सहित प्रदेश भवन एवं सड़क निर्माण मजदूरों ने सीटू के बैनर तले प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। सैकड़ों की तादाद में जुटे कर्मचारियों ने आरोप जड़ा कि केंद्र सरकार उनकी मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। धर्मशाला नगर निगम क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम से जल्द स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने निगम आयुक्त को आदेश दिए कि वह इंजीनियरिंग विंग के समक्ष कर्मियों को हिदायत दें कि वे कम से कम हर पखवाड़े में एक बार क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा करें और अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण की रिपोर्ट उन्हें सौंपें। इसके पश्चात अवैध निर्माण पाए जाने पर मालिक को एक सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करें। यदि अवैध निर्माण साबित हो जाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने DC व SP कांगड़ा को नगर निगम की पूरी सहायता करने के आदेश भी दिए हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर बुधवार को दत्यार के पास पहाड़ी दरक गई। इससे 4 लेन के काम में मशीन के साथ जुटा ऑपरेटर मलबे में दब गया। गनीमत यह रही कि ऑपरेटर ने समय रहते खतरा भांप लिया और मशीन घुमा ली। मलबा गिरने से नेशनल हाईवे पर 2 घंटे लंबा जाम लगा रहा। पत्थर लगने के कारण ऑपरेटर घायल हो गया। पहाड़ी की कटिंग के दौरान हुए इस हादसे के बाद हालात का जायजा लेने के लिए धर्मपुर और परवाणु की पुलिस पेट्रोलिंग टीम भी मौके पर पहुंच गई और मशीन की मदद से मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। घायल ऑपरेटर की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस महानिदेशक सीताराम मरड़ी ने प्रदेश की आर्थिक राजधानी BBN में बिगड़ती कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बुधवार को दौरा कर हालात का जायजा लिया। BBN की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित पुलिस महानिदेशक ने तुरंत पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश दिए। बाद में पुलिस अधिकारियों, उद्योगपतियों और स्थानीय कारोबारियों के साथ बैठक कर उन्होंने CCTV कैमरे लगाने की अपील की ताकि शातिरों को ट्रेस करने में पुलिस को आसानी हो। DGP ने बद्दी पुलिस थाने का औचक निरीक्षण कर कर्मियों को तुरंत सुस्ती छोड़कर व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए। इस अवसर पर DIG आसिफ जलाल सहित BBN उद्योग संघ व बद्दी व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बता दें कि बद्दी में कलेक्शन एजेंट की शातिर गोली मार हत्या कर लाखों की नकदी लूट ले गए थे। लगातार बढ़ते इस तरह के मामलों का कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक ने यहां का दौरा कर पुलिस जवानों को अलर्ट रहने के आदेश दिए। BBN के दौरे में हमने पुलिस स्टेशन बद्दी विजिट किया है और यहाँ SP ऑफिस में तमाम पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठ के भी डिस्कस किया है। तो इसमें थोड़ा सा पुलिस को इस एरिया में सख्ती बरतने की ज़रूरत है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी से भी और व्यापार मंडल से भी हमने जो अनुरोध किया है कि ज़्यादा CCTV कैमरास लगाए ताकि हर वारदात का जो है CCTV फुटेज हमें मिल सके। एक दिन की चटक धूप के बाद अब अंबर फिर रंग दिखाएगा। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को प्रदेश भर में आसमान पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश भी होगी। विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि 10 जनवरी को मौसम बिगड़ेगा और 11 व 12 को प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी। 13 तक मौसम खराब रहेगा। इसी बीच 14 को धूप खिलेगी तो 15 को फिर से मौसम करवट लेगा। कुल मिलाकर इस हफ्ते हार्ड तोड़ ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। और अब खेल समाचार। नादौन के अमतर क्रिकेट मैदान पर खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में हिमाचल ने केरल पर शिकंजा कस दिया है। इससे अब हिमाचल का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना लगभग तय है। बुधवार को दूसरी पारी में हिमाचल ने 8 विकेट के नुकसान पर 285 रन बना लिए हैं। पहली पारी में मिली 11 रन की बढ़त के साथ ही अब तक हिमाचल की 296 रन की लीड हो गई है। गुरुवार को मैच का आखिरी दिन है। अगर हिमाचल यह मुकाबला 3 अंक लेकर ड्रॉ भी करवा लेता है तो उसको नॉकआउट में जगह मिल जाएगी। बता दें कि पहली पारी में हिमाचल ने केरल को 286 रन पर समेट दिया था। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मैं सारे प्रदेशवासियों को अपनी ओर से नया साल 2019 प्रारंभ हो चुका है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि ये पूरा वर्ष
हिमाचल प्रदेश के लिए सुखी रहेगा, समृद्धशाली होगा, गौरवशाली होगा, वैभवशाली होगा और हर तरह की खुशियां यहां पर लेकर के आएगा और सभी के जीवन के लिए एक सुख की कामना करते हुए मैं बहुत बधाई देता हूं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते कांगड़ा के ठाकुरद्वारा में दिन दहाड़े महिला को दराट से डराकर बालियां लूट ले गए बाइक सवार। पौंटा साहिब में ग्रामीण ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में चलेंगी एम्स की कक्षाएं, इस साल से सत्र के आगाज के आसार। और अप्रैल से पंचायतों में नहीं चलेगा कैश और चेक, डिजिटल सिग्नेचर से खाते में ही जाएगा पैसा। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं दिव्या अबरोल और ठाकुर सिंह रेलू की आवाज में आज ही रिलीज हुए चंब्याली लोकगीत को। जो कर दे वो मना माने हैं, बेगा समझा कंदे रंदी जाने हैं, कि जो पिछो छटे घर बार मेरी ये जानी है, मत गच्छे यम्मा केरे द्वार मेरी ये जानी है। भैगा टिका टिका लांदे हैं, कजो मेरे दिला भरा मांदे हैं, पिजो पिजो छटे घर बार मेरी ये जानी है, मत गच्छे बापू के रे द्वार मेरी ये जानी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।